हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस एस दिन भर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हमारे पास यहां पे आए हैं आप भी अपने क्वेश्चंस को अनकेडमी के मैसेज बॉक्स के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं पेपर के क्वेश्चंस के डिस्कशन से पहले मैं कुछ बातें आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ द फर्स्ट थिंग इज पेपर का अगर मैं जी के लेवल के बारे में बात करूँ और टाइमिंग्स और बाकी चीज़ें अगर आप लोग के साथ मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ जस्ट गिव मी टू मिनट्स फॉर द सेम जीएस में आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है और टोटल हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे 200 अब ये आपका सीपीओ का पैटर्न तो इसी तरीके का रहता है हम लोगों ने सीपीओ के मॉक टेस्ट भी किए थे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था तो जो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे बता रहे हैं वो है टाइम पहले क्या है आपका 25 वाला और सीजीएल और सी में ये इशू आपको नहीं नजर आता है जो सीपीओ में आपको देखने को मिला है तो एक चीज आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिफ्टी क्वेश्चन होके टू हंड्रेड क्वेश्चन है तो एक टाइम फैक्टर रहता है तो जो आपको पता है आप कल अगर पेपर देने जा तो कॉन्फिडेंटली उसे आंसर कीजिए जो नहीं पता उसे कॉन्फिडेंटली स्किप कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाए स्टार्टिंग में ही मुझे ये चीज आप लोग को बता देना है क्योंकि आपको फिर उस हिसाब से अपने पेपर को अच्छे से देना है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 200 क्वेश्चन देखे भी नहीं और आप किसी एक क्वेश्चन में फंसे रह गए जीएस के फिफ्टी क्वेश्चन जो है ओवरऑल आपके बहुत अच्छे यहाँ पे आए हैं आप स्टेटिक में से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना जैसे सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में किसको मिला इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए अभी आप क्वेश्चन देख ही लेंगे खुद से और दूसरा चीज यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ और एक चीज़ है जैसे आज ये आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू बट द स्टूडेंट हुए शेयर द क्वेश्चन पेपर हैज़ ऑल्सो शेयर द इन्फॉर्मेशन कि हाफ एन आवर बाद पेपर स्टार्ट हुआ लगभग टेन थर्टी से पेपर स्टार्ट हुआ और जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था और यहाँ पे ट्वेल्व थर्टी तक पेपर चला तो ये जो आधे घंटे का समय आपका अगर बाई चांस कहीं कुछ डिले इस तरीके का हो जाए एग्जाम से पहले कोई भी ऐसा इश्यू हो जाए तो स्टार्टिंग में ये पैनिक नहीं करना है क्योंकि आपको तो अपना समय मिलेगा आप इस हिसाब से अपने पेपर को करेंगे तो अगर कभी किसी एग्जाम सेंटर में ऐसा कोई इशू हुआ भी सो यू नीड नॉट पैनिक क्योंकि आपको अपना समय मिलेगा आपका पेपर उस हिसाब से होगा अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करना है ठीक है ऑल द बेस्ट आने वाले शिफ्ट के लिए और चलिए अब हम डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं टाइम फैक्टर ध्यान रखिएगा दो क्वेश्चन मतलब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है करेक्ट करने का उस हिसाब से आप आंसर करेंगे ओके बाकी अगर आपको लगता है इसके अलावा और कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बाद में बता सकते हैं रिस्टार्ट किया था टाइम तो उस हिसाब से आपका मैनेज होता है बाद में है ना? सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड है ई ई के लगा के है ना नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो जो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है यह उसके चार्ज के बारे में पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन ये आपका हाँ ग्रीक वर्ड है इट मींस एम्बर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब अगर आपके ऑप्शन में एम्बर था तो इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है द वर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक मीन्स एम्बर ओके फिर यहां पर क्या है दल्लो फॉसिलाइज्ड रेजिन ऑफ एवरग्रीन ट्री नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल ये बेसिकली आपका रहता है तो अगर इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो होगा एम्बर था तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एम्बर होता है फिर अगर आने वाले शिव में पूछे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया तो बता दीजिएगा जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया अगर पूछे प्रोटोन किसने डिस्कवर डिस्कवर किया किया तो तो बताइएगा इधर आर फॉर रदरफोर्ड ने ने ऑप्शन में फिर और अगर पूछे न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया तो चांद जैसा लेकिन एन नहीं है चैडविक ने डिस्कवर किया इजी आने वाले शिप्स के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 160 के आसपास यहाँ पे जो है बहुत स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है बैक टू स्टडी एंड सम पीपल वर सेइंग इन टुडे स्पेशल क्लास की 183 भी यहाँ पे

तो अगर आपके ऑप्शन में सेरिब्रम दिया हुआ था ऑप्शन में सेरिब्रम था ठीक है तो आंसर क्या होगा सेरिब्रम, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, तो आंसर पे क्या टिक करना था सेरिब्रम टिक करना था नेक्स्ट क्वेश्चन नसाद अहमद करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी किस पार्ट में है अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि जो पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान रखिएगा दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो पार्ट टू है वो यहाँ पे रहने वाले क्या लोग यानी कि सिटीजनशिप जो पार्ट थ्री है आप इन लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे कि नहीं फंडामेंटल राइट्स है जो पार्ट फोर है वो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फोर ए इज फंडामेंटल ड्यूटीज ये ध्यान रखना है क्योंकि ये फिफ्टी वन ए में है दोनों में ए है मतलब एबसेंट जैसा है लोग इसे कर ही नहीं रहे सही से तो पार्ट फोर क्या हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको पूछा गया एग्जाम में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में है आंसर पार्ट फोर स्पेशल क्लास में मैंने बार बार बताया कम से कम यहाँ तक याद कर लो और इतना ध्यान रखना कि पार्ट फाइव आर्टिकल रेंज के साथ ये यूनियन के लिए है और पार्ट सिक्स ये जो है स्टेट के लिए है अभी आर्टिकल आपको 21 ए कल पूछा गया था आज 24 पूछा गया ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं. तो पार्ट वन आर्टिकल वन से लेके फोर पार्ट टू पांच से ग्यारह सिटीजनशिप पार्ट थ्री बारह से लेके पैंतीस फंडामेंटल राइट्स पार्ट फोर थर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी वन डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिफ्टी वन है फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट जैसे कि एक्सपेक्टेड रहता है सबसे ज्यादा यही से सवाल बनेंगे तो यही से सवाल बना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अ ल्यूनेशन और सिनोडाइक मून दैट इज जब भी आपके दो इस तरीके से ल्यूनिशंस होते हैं या फिर दो मून्स के बीच में फुल मून्स के बीच में डिफरेंस इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें पूछा गया दो ल्यूनिशंस के बीच का डिफरेंट किस कितना है ऑप्शंस तो में आपका ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव दिया हुआ था जितने लोगों ने पेपर दिया है आपको ऑप्शंस 0.5 ऐसे 29.5, 28.5 इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए थे तो आपका आंसर क्या होगा 29.5 नाइन पॉइंट फाइव पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेंट के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं अतिक्षा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट और जो बहुत फेमस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना वही पूछा गया है तो उसका टेंशन ही ना लो ठीक है बाकी हर महीने का लास्ट थ्री क्लासेस में हमने अक्टूबर और सेप्टेंबर भी यहाँ पे कवर कर दिया है तो बहुत ज्यादा करंट में गए ही नहीं है है ना वो मैंने आपको बताया था कि अभी कोविड सिनेरियो में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं ये मैंने आपको सीएचएसएल के लिए भी बताया था कि स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कीजिए और करंट अफेयर्स जो रिवीजन करंट अफेयर्स थे वही में से आया था सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिला ठीक है नेक्स्ट आपको पूछा गया कि बथु फेस्टिवल अब ये इतना कॉमन तो नहीं था है ना बथुकम्मा फेस्टिवल ये कहाँ का है तो तेलंगाना का फ्लावर फेस्टिवल है इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी मनाया जाता है पर ऑप्शंस में तेलंगाना था बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना ओके ये फ्लावर फेस्टिवल है अगर पूछे वैली ऑफ फ्लावर्स आने वाले शिफ्ट के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है तब आंसर क्या हो जाएगा तो उत्तराखंड में है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स ठीक है तेलंगाना का फ्लावर फेस्टिवल है बथुकम्मा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल एंथम को फर्स्ट टाइम के लिए कब गाया गया द क्वेश्चन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशनल एंथम जनगण मन ड्यूरिंग कब गाया गया तो फर्स्ट टाइम के लिए इसे गाया गया कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूछा था कब गाया गया कौन से सेशन में 1911 वाले सेशन में 27 दिसंबर 1911 फर्स्ट टाइम इट वाज संग इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ठीक है अगर पूछे ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने वाले शुष में अगर पूछे तो ध्यान रखना है 24th ऑफ जनवरी 1950 को ऑफिशियली हमने जो है इसे अडॉप्ट किया क्लियर है सब लोग को कलकत्ता सेशन नौशाद आनंद करेक्ट अच्छा सो द करेक्ट आंसर ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोल के एक टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है कभी सुना है इसके बारे में ओके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो मुंबई वाला रीजन रहता है ना जो कोस्टल रीजन रहता है ना वहां पे एक्सट्रीम गर्मी एक्सट्रीम सर्दी नहीं होता है सिमिलरली द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो इन द पार्ट्स ऑफ गुवाहाटी द सेम सिचुएशन इज देयर सेम क्लाइमेटिक सिचुएशन प्रिवेल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन आपको गोवर्धन पीठ कहां पे लोकेटेड है तो गोवर्धन पीठ कहां पे लोकेटेड है ये आपका पूरी में लोकेटेड है गोवर्धन पीठ दीज वेर दी एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको पूछे गए ठीक है टाटा स्टील लिमिटेड टिस्को का फुल फॉर्म क्या है तो टिस्को का फुल फॉर्म अभी क्या है आपका टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड दिस इज योर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को या फिर टाटा स्टील लिमिटेड सेम थिंग ये कहां पे है लोकेशन आपसे पूछा गया और ऑप्शन में आपका जमशेदपुर था नेम ऑफ दी स्टेट्स नहीं थे ये आपके उसमें कहां लोकेटेड है तो आपको जमशेदपुर टिक करना था सो so, वेर इज टिस्को टिस्को इज इन जमशेदपुर यह आपको टिक करना था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेव साइलेंट वैली ये सेव साइलेंट वैली ये जो मूवमेंट है ये सोशल मूवमेंट कहाँ का है सेव साइलेंट वैली साइलेंट वैली कहाँ पे एक क्वेश्चन वो बनता है है ना सेव साइलेंट वैली मूवमेंट कहां पे हुआ था तो ये 1976 का मूवमेंट है ये केरला के अंदर था फॉर द एम वॉज टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली वॉट इज साइलेंट वैली इट इज एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दल्लाकाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है केरला के पल्लकाट डिस्ट्रिक्ट में ओके सेफ साइलेंट वैली पूछा गया था ओके नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ प्राइम मेरिडियन और द जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड द जीरो डिग्री लॉन्जिट्यूड डज नॉट पास थ्रू ये आपसे पूछा गया और चार ऑप्शन दिए थे अब एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा डजनॉट पास थ्रू विच कंट्री ऐसे करके चार कंट्रीज के ऑप्शन आपको दिए गए थे तो जीरो डिग्री लॉन्जीट्यूड कौन सा होता है ये आपका प्राइम मेरिडियन होता है ठीक है और ये जो है लंडन यूके से पास होता है और आपको पूछा गया था कि कौन से कंट्री से पास नहीं होता है अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है तो आपको उसको देख के फिर आंसर करना था कि ऑब्वियसली कहां से नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया साइंस का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हार्ट इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से कौन सा हार्ट का पार्ट है ऑप्शन में एयरटा था तो आपको एयरटा पे टिक करना था क्योंकि एयरटा इज द वन जो ब्लड से ऑक्सीजनेटेड बॉडी को पूरे बॉडी में लेके जाता है जो हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में लेके जाता है ये हमने कल ही पढ़ा था प्लस के अंदर भी सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो पार्ट ऑफ द हार्ट इज योर एयरटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको ल्यूकेमिया इनमें से किसका डिजीज है चार ऑप्शन दिया गया था जिसमें से एक पे ब्लड भी था तो ल्यूकेमिया किसका डिजीज है या आपका ब्लड का डिजीज है ल्यूकेमिया जिसमें क्या होता है खून प्रोड्यूस करने का हिमोग्लोबिन पिगमेंट वाला इतना नहीं हो पाता है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बार बार जरूरत होता है बाहर से ब्लड देने का जरूरत होता है ठीक है बांग्लादेश वाला हा उसको रखा है ना क्वेश्चन आगे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब हंटर कमीशन था बना था उस वक्त हंटर कमीशन के समय काल में हु वॉज दी वाइसरॉय या फिर उस वक्त कौन था इस तरीके से आपको पूछा गया ऑप्शन में लिटन रहता है क्वेश्चन बट उसमें आपको क्या टिक करना था रिपन ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना था ऐसे लिटन रिपन ऐसे आपके पास चार ऑप्शन थे और पूछा गया था कि किसने इसको अपॉइंट किया सो लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एडुकेशन कमीशन ऑन 1882. अब काफी लोग इसका नाम क्या है सर विलियम हंटर और ये मेंबर था वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ठीक मेनी पीपल कंफ्यूज द 1919 सी हंटर कमीशन मे रेफर टू दिस एडुकेशन वाला कमीशन 1882 वाला दूसरा चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है दी जलियन वाला बाग मेसेकर हंटर कमीशन ये 1919 का था ये किस लिए ताकि ब्रिटिश इन्वेस्टिगेट करे कि जलियन वाला बाग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट वॉज द थिंग जिसमें लगभग पंद्रह हजार लोग ऑन पेपर्स पर एक्चुअल में तो पता नहीं कितने बना आंसर नेक्स्ट मूंगफली का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है तो अगर आप कहीं गुजरात गए हो गुजरात में रहे हो तो तेल भी मूंगफली खाना भी मूंगफली बहुत ही मूंगफली मूंगफली हो जाता है वहां पे बिकॉज गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स और मूंगफली है ना अब मूंगफली पूछे ग्राउंड नट पूछे रॉ पीनट्स पूछे सबका आंसर क्या है गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन इंडिया क्लियर है पिछला वाला एजुकेशन और इसमें कंफ्यूज मत करना 1882 वाला एजुकेशन का 1919 वाला वा, जेलियन वाला बाग में ओके। okay? गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूंगफली मेरे को लग रहा है ना आप लोग सेशन को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हो तो एक बार प्लीज आप सेशन को जरा शेयर भी कर दो और इसको एक बार लाइक भी कर दो मैं भी अपने तरफ से इसको एक बार तो शेयर कर ही देती हूँ चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के बारे में पूछा गया ना कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में और ऑप्शन में था सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन फोर बस यही चार आपके ऑप्शन में दिए हुए थे और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के कौन से सेक्शन के ऊपर एक सवाल आपको ऐसे पूछा गया तो 1934 का है फिर 35 में बना पर वन टू थ्री फोर सेक्शन आपके ऑप्शन में थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न एवॉर्ड कौन देता है इस इस ये ड कौन देता है सो राजीव गांधी खेल रत्न एवॉर्ड इज गिवेन बाय होम इट इज गिवेन दी राजीव गांधी खेल रत्न एवॉर्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनरिंग एवॉर्ड है बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर द्वारा पता नहीं इसमें लिखा कैसे नहीं आया यूथ Affairs, and youth द्वारा इसको दिया जाता है ठीक तो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पाकिस्तान का हिस्सा बन बांग्लादेश कब तक था तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक तो पाकिस्तान का ये ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश वाला है ना और फिर कब अलग हुआ 1971, तो आपके ऑप्शन में 1971 था तो आपको 1971 में टिक करना था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब लिबरेट हुआ कब अलग हुआ 1971, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर इस बुक के ऑथर के बारे में पूछा गया दे डिड नॉट आस्क एरा ऑफ डार्कनेस कल पूछा गया था आज नहीं पूछा गया आज वी आर डिस जिसका आंसर क्या है बुक बाय मला यूसुफाई मलाला यूसुफ जाई. जाई जिसको मलाला भी कहा जाता है पाकिस्तानी एक्टिविस्ट नोबेल प्राइज जीतने वाली यंगेस्ट लॉरेट बट अगेन शेरड इथ विथ uh, कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया से और चाइल्ड के लिए ही आपके इसी फील्ड में काम कर रहे थे One more question अभी आपका जो काफी बन रहा है वो है ग्रीटा थंडरबर्ग है ना सॉरी थनबर्ग ग्रीटा थनबर्ग तो ये चीज आप एक बार जरा ध्यान रखिएगा वी आर डिस्प्लेस्ड बुक पूछा गया मलाला से एंड ग्रीटा थनबर्ग टाइम्स पर्सन ऑफ दर टू थाउजेंड नाइनटीन एज वेल और नाइनटीन से भी जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है उनको एक दो को यहां पे उठा लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क उट ट्वेंटी ट्वेंटी समर ओलंपिक्स कहां हुआ ये पूछ लिया अब ऐसा नहीं कि ट्वेंटी दो हजार तक पढ़ लो दो हजार का समर ओलंपिक्स कहा हुआ ये आपको पूछा तो ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था टू थाउजेंड समर ओलंपिक्स सो दे यू कि देउजेंड का समर ओलंपिक्स कहा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया से निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में तो ऑप्शन में आपके पास पी वी सिंधु देर तो आपको पी वी सिंधु टिक करना था ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर फ्रॉम इंडिया पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है बैडमिंटन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एंड सिल्वर ओलंपिक मेडल इज ऑल्सो पी वी सिंधु ओके तो ये आपको क्वेश्चन पूछा था और पीवी सिंधु ऑप्शन में था नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया टॉम ऑफ इतिमत उदौला टॉम्ब ऑफ इतिमत उद्दौला कहां पे आपका सिटुएटेड है तो ये आगरा में सिटुएटेड है आपको आगरा टिक करना था टॉम्ब ऑफ इतिमत उद्दौला इज सिटेड इन आगरा कहां पे ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में इसको ज्यूएल बॉक्स भी कहा जाता है इसको बच्चा ताज भी कहा जाता है या फिर ड्राफ्ट ऑफ द ताजमहल भी कहा जाता है ठीक है जमहल और उसके साथ मत कन्फ्यूज करना बीवी का मकबड़ा है वो ये क्या है, है। यह आगरा में है यह क्वेश्चन आपको आज पूछा था नेक्स्ट आपको रजिया के बारे में दिस आई एम नॉट वेरी श्योर अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूं इसमें ये वाला बस श्योर नहीं अब तक के सारे क्वेश्चन श्योर आपके पूछे गए अबाउट राजस्ट प्राइबलीस इज तो आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में दी ओनली फीमेल रूलर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत ओके रजिया नेक्स्ट यह है वास्ट क्यू की इसमें टी किसके लिए स्टैंड करता है एल टी टी तो दिस वॉज दी ओनली क्वेश्चन नॉट श्योर इन दिस वन बाकी सब आपको पूछा गया तो एल टी टी के बारे में पूछा गया कि एल टी टी में वॉट इज द फुल टी किसके लिए स्टैंड करता है तो आप देखिए ये फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम <coughs> क्या है फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम तो आपको अगर ये वाला टी पूछा गया तो ऑप्शंस में से तमिल आपको सिलेक्ट करना था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यह क्या है ये एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर हिंदू तमिल्स नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में डिमांड कर रहे हैं एल टी टी नेक्स्ट आपको हिस्ट्री में पूछा गया कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडलाम्स होते सो आर so, मंडलाम्स इन ऋग्वेद जिसमें से जो टेंथ मंडलाम है उसमें क्या पढ़ा था हमने पुरुषा सुक्ता इज देर इन द टेंथ मंडलाम नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉपुलरली नोनेस बिस्मार्क ऑफ इंडिया आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट बोला था ओके फर्स्ट अच्छा फर्स्ट लेडी दिस क्वेश्चन ओके सो स्टूडेंट संजय इज नाउ कंफर्मिंग दैट दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट की फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया आपको यहां पर पूछा था तो फिर यह आपका आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आस्क यू अबाउट सतीश शिवलिंगम सतीश शिवलिंगम किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है तो सतीश शिवलिंगम इज इंडियन वेटलिफ्टर ये वेट लिफ्टर है और इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 और 2018 दोनों में ही 77 वेट क्लास में ये खेलते हैं ओके okay? आस्क यू आ क्वेश्चन अबाउट कि इनमें से कौन सा मारवाड़ रीजन के राजा नहीं है ये था क्वेश्चन इनमें से कौन मारवार रीजन के राजा अच्छा एक चीज में और बता दो अगर आपका पेपर कल है तो प्लीज आप जैसे जब ऐसा कोई हरबर नहीं है कि पेपर खत्म होते ही आपको फोन करना है या फिर पेपर खत्म होते ही आपको क्वेश्चन सेंड करना है वेन यू आर फ्री आफ्टर द पेपर प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन ऑन दी मैसेज बॉक्स या फिर जहां पे भी आप मुझसे कनेक्टेड है वहां पे आप प्लीज अपने क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए ताकि मुझे सारे जेन्युन क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए और शाम को मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठा एक साथ डिस्कस कर सकू ठीक है ओके okay. तो पूछा गया कि इनमें से कौन मारवाड़ रीजन के राजा नहीं थे और राव तीन ऑप्शन में था एक ऑप्शन में राव नहीं था तो इसीलिए एक चीज आपको ध्यान रखना है राव चंद्रसेन राठौर 1581 एटी वन में मार्वरवर्स ब्रॉथ अंडर द डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और ये कब तक रहा 1583 तक रहा वेन उदय सिंह टू थ्रोन तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन में देखना है एलिमिनेट करके आपका आंसर तक पहुंचना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया मटकी डांस के बारे में कि मटकी डांस जो परफॉर्म किया जाता है ये कहां का डांस फॉर्म है मटकी मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है ये एक सोलो डांस फॉर्म के जैसा रहता है जो शादियों में आपका परफॉर्म किया जा सकता है इस तरीके से तो मटकी इज अ डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश दे आस्ट यू अबाउट दी वैकुंडा परुमाल टेम्पल तो वैकुंडा पेरुमाल टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ये उधीरा मेरूर में लोकेटेड है तमिलनाडु में किसने बनाया वर्मन टू पल्लवा डिनेस्टी सबसे पहले महाबलीपुरम में जो है ममल्लापुरम बना दिया है ना और उसके बाद वर्मन टू ने एथ सेंचुरी में वहां पे रथ टेंपल वैकुंठ पेरुमल टेंपल ऐसे बहुत सारे और कंस्ट्रक्शन किया एक फ्री क्लास आपका है एक फ्री कोर्स है जो कि है डिनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया ऑफ साउथ इंडिया आप उसको रेफर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दे अबाउट आर्टिकल 24 आपसे पूछा है तो आपको तो सारे पता है फंडामेंटल राइट से से रिलेटेड 12 लेके कहां तक जाएगा पैंतीस 12 13 को निकाल दीजिए किस लिए निकाल दे 12 इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट तेरह इज अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे सच अ लॉ विल बी नल एंड वाइट फोर्टीन से लेके काउंट करना स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस है. क्या है फाइव 4, 2, 4, 2, 1, ये एक छोटा सा ट्रिक है तो यहाँ से फोर्टीन फिफ्टीन सारे इक्वेलिटी से रिलेटेड है ट्वेंटी थ्री एक्सप्लाइटेशन किसका वुमेन दैट इज किसी का भी ह्यूमन ट्रैफिक से रिलेटेड है एंड ट्वेंटी फोर इज चाइल्ड लेबर तो इधर आंसर क्या हो जाएगा चाइल्ड लेबर फिर आपसे क्वेश्चन पूछा इलेवन शेड्यूल के बारे में तो बारह ही तो शेड्यूल है अब तक याद तो हो ही गया होगा जिसमें इलेवेंथ शेड्यूल पहले कौन आएगा पंचायत आएंगे तो इलेवन शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायत एंड ट्वेल्थ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल दिस क्वेश्चन अगेन ये दूसरा क्वेश्चन है अबाउट विच आई एम नॉट श्योर एक मैंने आपको रजिया बोला था जो आप लोगों ने कन्फर्म किया गुड इवनिंग प्रदुमन दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज प्रोबेबली नॉट आस्ट अबाउट थ्री ट्वेंटी थ्री शायद नहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है 315 से लेके 23 But this was probably not asked. The 323 थ्री कैन कंफर्म दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं Next, 100 पूछा गया एम फी बी एन ऑफ प्लांट किंगडम कौन रहता है तो आपने सारा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो थेलोफाइट है अभी तो पानी में आया ही है फिर पानी से धीरे से थोड़ा सा जमीन पे जाएगा थोड़ा सा जमीन पे थोड़ा सा पानी में तो फ्रॉग के जैसा नहीं हुआ जैसे एनिमल्स में मेंढक है तो फ्रॉग है क्या है वो एम्फीबियंस है वैसे प्लांट किंगडम में भी जो थैलोफाइट्स भी हुए और जमीन पे भी थोड़ा बहुत रह लेते हैं ब्रायोफाइट्स हुए थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं so, सो ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम उसके बाद पूरे जमीन में आ गए टेरिस्ट्रियल तो टेरिडोफाइट्स उसके बाद जिम जाने लगे जिमनोसपम्प एंड देन एनजीओ आपने तो पूरा पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंटली ब्रायोफाइट्स इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम बाई कार्बोनेट ऑल्सो कॉल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज द केमिकल फॉर्मूला इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं ये पूछा तो देख लो सी ए एच सी ओ थ्री फिर इसमें कितना है टू तो कितने दिख रहे हैं कितने हाइड्रोजन एटम्स यहां पे दिख रहे हैं बताओ नेक्स्ट इज अगेन दिस क्वेश्चन वॉज नॉट आस्ट कि आपका मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड नोबेल प्राइज फिलोसॉफी सॉरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 ट्वेंटी नोबेल प्राइज किसे मिला तो आगे क्या पता पूछ ले हार्वी जे ऑल्टर माइकल ह्यूगस्टन और उसके बाद आपका चार्ल्स एम राइस दिस क्वेश्चन वॉज नॉट आस्ट डन ख क्वेश्चन जी डी पी तो यह क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी इज दीज आर नॉट इक्वल जी डी पी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जी एन पी इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो इनके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा गया 24th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा गया तो आंसर उर्जित पटेल उर्जित पटेल इज द 24th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक देन जीएसटी कब लागू किया गया ये आपसे पूछा गया तो बताओ कब लागू सबको पता है नहीं पता है अब तक तो पढ़ लो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया ये अ लॉट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दिस वन हेमंत उपाध्याय ये वाला नहीं पूछता है ना जी

ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर ये मैंने इस, इसके साथ ऐड किया कि अगर ट्वेंटी फोर्थ नहीं पूछ के आगे ट्वेंटी तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकांता दास और आरबीआई कब हुआ था नाइन थर्टी फाइव को थर्ड क्वेश्चन ओनली रेस्ट क्वेश्चन शोर्ट शॉर्ट एरा ऑफ डार्कनेस लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था इस शिफ्ट में आपको एरा ऑफ डार्कनेस नहीं पूछा किसका बुक है शशि थरूर का बुक है नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश ये प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया तो एक बार देख लो क्या पता भविष्य में भी पूछे अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश हेडक्वार्टर कहाँ पे है हेडक्वार्टर है ये एस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे ठीक है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ओके okay? अभी जनरल सेक्रेटरी अगर कभी पूछ लेते एंटोनियो एंटोनियो दे आस यू अबाउट वॉट इज द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप एस तो ग्रेप के कल्टिवेशन को हम लोग विटी कल्चर बोलते हैं विटी कल्चर ग्रेप के कल्टिवेशन इज विकल्चर ओके जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ तो टू थाउजेंड सेवेंटीन येस ंग द स्क्रीन शॉट ऑफ योर क्वेश्चन गणेश नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी चाइल्ड मेड सो अवेशन वस्ड ऑन योर कैलाश सत्यार्थी इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो मलाला यूसुफ साई के साथ साथ नोबेल प्राइज जो है कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला नेक्स्ट दे आस्क यू अबाउट नसीरा शर्मा नसीरा शर्मा के बारे में पूछा तो नसीरा शर्मा जो है हिंदी राइटर है एंड व्यास सम्मान के बारे में राष्ट्रीय तो व्यास सम्मान 2019 किसने जीता तो व्यास सम्मान 2019 नसीरा शर्मा ने जीता फॉर हर नोवेल कागज की नाव यह अवार्ड कौन देता है के के बिरला फाउंडेशन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है व्यास सम्मान इज गिवेन बाय के के बिरला फाउंडेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट शॉर्ट पूछा गया वो है कालिंजर फोर्ट तो कालिंजर फोर्ट्रेस ये आपका कहाँ पे है बुंदेलखंड आपको टिक करना था ये बुंदेलखंड में है उत्तर प्रदेश में है आपका कालिंजर फोर्ट कालिंजर फोर्ट इज सिचुएटेड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया ओके और ये उत्तर प्रदेश रीजन में भी लोकेटेड है नेक्स्ट आपको पूछा गया फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एस गवर्नर ऑफ आर बी आई वीडी देशमुख नाइन फोर्टी थ्री आजादी से पहले तो ऑब्वियसली ब्रिटिश राज के समय में ही थाडी इंक्लूडेड uh, uh, yes, है ना वो ऑलरेडी हम पहले इंक्लूड कर चुके हैं टू थाउजेंड नाइनटीन इलेवन इन द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस राइट ओके नेक्स्ट हैड यह अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया नेक्स्ट हैड आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट दी सार्क इसका फर्स्ट सार्क समिट कहां पे हुआ था तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट सार्क समिट आपका ढाका में हुआ था सेवेन्थ से लेके एट दिसंबर तक जो है आपका ये सबमिट यहां पे हुआ था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन देन दे द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर तो कथा सरित सागर के दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन अबाउट विच आई एम नॉट श्योर द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर तो इसका आंसर क्योंकि कालिदास का बुक भी यहां पे पूछा गया कालिदास के बुक के बारे में भी आपको पूछा गया कथा सारित सागर का आंसर क्या हो जाएगा सोमदेव है ना और कालीदास के बुक्स तो आपको पता ही है। so, see, that, uh, अब इनमें से फोर क्वेश्चन आर लाइक दैट विच आर डाउटफुल बाकी सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे आप लोग पेपर दे के आए हैं तो यहां पे मोस्ट ऑफ विल अप्रूव की हाँ ये कौन से क्वेश्चन थे कौन से क्वेश्चन नहीं थे तो कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर मैंशन कीजिए इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया था यहाँ पे अगर आपका पेपर है कल तो फिर आप पेपर के बाद क्वेश्चन मुझे अन अकेडमी के मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म में आप उसको भेज सकते हैं जहां पे भी आप यहां पे कनेक्टेड है मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है कार्तिक मनीष आयुष गणेश सुमित जितने लोगों ने भी सेशन को ज्वाइन किया है अभी मैं यहाँ पे एक क्विज छोटा सा स्टार्ट कर देती हूँ जिससे आपका एक वार्म हो जाएगा कल के लिए अगर आप अभी एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन रखूंगी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स का तो इसे स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक मिनट का समय दीजिए अगर आप लोग भविष्य में कभी भी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा प्लस कोड यूज कर सकते हैं जो कि है ए एन टी ए आर ए बी एच यू वाई ए एन और यू कैन ऑल्सो यूज अंतरा टेन दोनों से आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ए एन टी ए आर ए वन जीरो और ये अभी मेरे अपकमिंग बैचेस है तो आपको अभी से लेके मार्च तक मेरे अपकमिंग बैचेस दिख जाएंगे ठीक है लेट मी स्टार्ट क्विज मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी आप इस कंबाइंड क्विज को कैसे अटेंड कर सकते हैं आप इसमें कैसे अपियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐप को ओपन करेंगे और उसके सबसे एंड में ऐप के सबसे एंड में यहां बीच में आपको टेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप टेस्ट पे सबसे पहले क्लिक करेंगे उसके बाद ऊपर आपको लाइव क्विज देखने को मिलेगा तो आप लाइव क्विज में उसके बाद जो है एंटर करेंगे लाइव क्विज में जाने के बाद आप टिक करेंगे ज्वाइन क्विज ओके और ज्वाइन क्विज में जस्ट गिव मी अ मोमेंट क्योंकि मुझे मिक्स क्विज यहां पे स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट्स का मिला के सो आई एम स्टार्टिंग दिस एस एस सी पी ओ क्विज इसमें टोटल आज आपके लिए मैं फिफ्टी क्वेश्चन रख रही हूं ताकि आपको कल के लिए एक पेशेंस बने कल के लिए प्रैक्टिस बने तो इसलिए फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कीपिंग फिफ्टी क्वेश्चन सो आपका पूरा यहां पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं कोड यहां पे आपके साथ शेयर कर रही हूं द कोड फॉर द क्विज इज फाइव फोर जीरो टू फोर फोर प्लीज शेयर इट एवरीबडी एक बार इसको लिख दीजिए चैट बॉक्स में भी फाइव फोर जीरो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी से ठीक टेन मिनट्स के बाद या फिर ऐसा करते हैं हम इस क्विज को एट पी को ही स्टार्ट ट्वेंटी मिनट्स यहाँ पे आप जो है आराम से अपना काम वाम निपटा के 8 pm को आप इस क्विज में आ जाइए और 8 pm को सभी लोग जो है इस क्विज के लिए अपीयर करेंगे बन गया ठीक है डन सो प्लीज राइट इट डाउन वंस 540244 एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज 540244 सबको आ जाना है क्या करना है आपको कुछ नहीं ऐप को ओपन करना है ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट में जाइए फिर लाइव क्विज में जाइए और उसके बाद ज्वाइन क्विज कीजिए ज्वाइन क्विज करने के बाद आपको कोड एक मांगा जाएगा उस कोड में आप एंटर करेंगे 540244। ओके सी आई कैन सी दैट स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ज्वाइनिंग 50 क्वेश्चंस करने के लिए पेशेंस चाहिए कल एग्जाम में बोर हो गए पता चला 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं है ना तो एक मॉक टेस्ट तो बनता है एक 50 क्वेश्चन करना तो बनता है सो so, एवरीबडी इेस्पेक्टिव ऑफ कल एग्जाम है कि नहीं इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें अहमद मानसी जगन्नाथ वसम प्रांजल धीरज नीलम्बर थैंक यू एवरीबडी फॉर राइटिंग इट डाउन ओके आज इस सेशन से अभी हम विदा लेते हैं आई एल सी यू अगेन वेरी सुन कल के क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी सारे और आपका शिफ्ट होने से भी आप हेल्प करेंगे और आप उन क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर करेंगे ओके थैंक यू एवरी वन टेक केयर एंड